सो हेलो टॉक्सिक फैंस सर, ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं मार्वल को शुक्रिया बोलना चाहूंगा मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए। मतलब हर साल मार्वल मेरे बर्थडे के दिन एक ना एक पिक्चर रिलीज करता है। पिछले बर्थडे को डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज की थी और इस बार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो चलिए टॉक्सिक फैंस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार, ट्रेलर शुरू होता है एक नई शिप के साथ और नए कॉस्ट्यूम के साथ, और वो किसी नई अर्थ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जानवर ही इंसान है। और वहीं पर ड्रैक्स एक बच्ची को भी मारता है, उसके बाद होती है उनकी पिटाई। और यार जरा इस शॉट में देखो, ग्रूट कैसा लग रहा है, मतलब कि इतनी बॉडी कैसे बना ली। ये वाला ग्रूट मुझे पूरी ग्रूट की सीरीज से ज्यादा अच्छा लगा। और इसके अगले सीन में हमें बताया जाता है रॉकेट, मतलब वो भी बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बेचारी कंडीशन में किसी कुत्ते के बच्चे को अपन परेशान करो ना उसका मुंह नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसा। अब देखो ऐसे सीन को देखने के बाद मुझे तो ये बात पक्की लग रही है कि इस मूवी में रॉकेट ही जाएगा। और ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा भी लगा कि वॉल्यूम 3 में हमें ग्रूट की ओरिजिन बताई जाएगी, क्योंकि हमें अभी तक ज्यादातर गार्डियंस की ओरिजिन तो पता है, जैसे कि स्टार लॉर्ड, गमोरा और वो क्या नाम उसका, नेब्यूला, लेकिन हमें रॉकेट की ओरिजिन अभी तक नहीं पता। तो हाँ, ऐसा प्रोबेबली हो सकता है कि इस मूवी में हमें रॉकेट की ओरिजिन भी बताई जाए और इसी मूवी में रॉकेट को हमसे छीन भी लिया जाए। और यार इस सीन में एक शॉट था वो बिल्कुल रंग बिरंगा वाला, यार सच्ची बताऊं उसे देखने के एक पल बाद मुझे जस्ट अमंग अस वाली फीलिंग आई। लेकिन उसके बाद वो एक सीन आता है जहां पर ड्रैक्स व्रैक्स ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं बहुत ही अजीब से प्लेनेट पर, तो एक वो देखकर मुझे एंटमैन के इस सीन की याद आई। और दूसरी चीज ये जो मैंने इस सीन में नोटिस की है कि ये एक बाल है। हाँ, जहाँ तक है लग तो बाल ही रहा है, और प्रोबेबली इस जगह पर यही बंदा रहेगा, हाई वैल्यूएशन एल्यूएशन जो भी नाम है इसका। और इस सीन को देखकर मुझे लगता है कि स्टार लॉर्ड पर भी यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो चिल्लाता है इस तरीके से तो वही लग रहा है कि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उसके बाजू में एक पाइप भी पड़ा होता है जो शायद अंदर लगता है इंसान के। इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मेरे मन में एक चीज आई कि यार मार्वल को हो क्या गया है, आजकल अपने ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही गोल गोल चीजें बता रहा है। वैसे इन सब गोल चक्रों को छोड़ो, अब आते हैं मेन बात पर। तो मेरे लिए मेन बात ये है कि इस ट्रेलर में गमोरा का दिखना, तो देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी तक हॉलीडे स्पेशल देखी नहीं है, तो मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि आयरन मैन ने गमोरा को वापस नहीं भेजा, जबकि उसने सोचा तो यही था कि थेनोस और थेनोस की आर्मी यहाँ से गायब हो जाए। तो पता नहीं मूवी में इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, या फिर अगर हॉलीडे स्पेशल में इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया हो तो यार मुझे जरूर बताना कमेंट में। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।